मुझे लगता है ना कि 12वीं के बाद हर बच्चे को ना या तो स्टेट सरकारें करें या उसके माँ बाप करें या वो खुद से करें, बिल्कुल लोकल ट्रेन में मतलब स्लीपर क्लास में कम से कम पैसों में पूरा भारत घूमें। और इसी के साथ हम चल पड़े पंकज त्रिपाठी सर के गांव घूमने के लिए। सर के घर को एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको कुछ ये चीज दिखाना चाहता हूँ। पंकज त्रिपाठी का आप कौन होते हैं? आपके चाचा हुए वो? चाचा मतलब हम एक ही फैमिली में और इसके बाद इन्होंने हमें बताया अपना रिलेशनशिप पंकज त्रिपाठी सर के साथ में और साथ ही साथ उनकी बचपन की जो यादें थी सारी। इन्होंने हमें बताया कि कैसे पहले गांव में नाटक हुआ करता था जिसका डायरेक्टर इनके पिताजी या बाबा हुआ करते थे और उसमें पंकज त्रिपाठी एज एक्टर काम किया करते थे। ये कहानी सुनने के बाद अगले दिन हम कार लेकर के पहुंच गए पंकज त्रिपाठी सर के घर पे। पहले हमने फोटो खींच पाया उसके बाद कुछ ये। तो अभी हम है ये पंकज त्रिपाठी के घर में। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये था कुछ पंकज त्रिपाठी जी का घर और इसके पीछे जो है ये इन्होंने बाउंड्री वगैरह बनाया जमीन लेके परचेज करके। अभी वैसे इनकी माँ पापा जी शायद संध सो रहे हैं, बुजुर्ग है तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते और हम बुक यहाँ फोटो वगैरह क्लिक करवा करके चल रहे इनके आस पड़ोस में और भी रिलेटिव से मिलते हैं। हमने इसे बात करा था रिलेटिव से मिलने का, लेकिन आपको एक बता दूँ इस गाड़ी में हमारे सिवा ये जो तीन शख्स है ये तीनों रिलेटिव ही उनके। मतलब और अभी चल रहे हैं वहाँ पे देखिए। डीजल बका हो? डीजल बकारे का मतलब यहाँ मतलब सुच बोल रहे हैं आप? छोटे हो गए कारे नहीं रे यूज नहीं कर पाए। मैंने रे बोला था क्या? मुझे रे नहीं बोला था सर। होगा भी तो उठ आगे बोलेगा। इनके साथ बैठ कर के हम भोजपुरी लैंग्वेज के रे और बा का डिफरेंस भी समझ गए और सीख भी लिए। और यहाँ पे है ना गांव में लोग अपने इज्जत पे ही मरता है, ठीक है ना? उसको वो नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि आप प्यार से बोलिएगा ना उसको, तो आपको जो बोलिएगा ना वो खिला देगा, आपको जो बोलेगा आपके लिए वो कर सकता है, जान तक दे देगा आपके लिए। बट हाँ रिस्पेक्ट चाहिए। हाँ बिल्कुल सच में भाई, ये तो मैंने देख लिया गांव में। तुझ बिन सूरज में आग नहीं रे। इसके बाद हम पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक के घर पे और यहाँ हमें खूब खातिरदारी हुई, खूब खाने को मिला था। त्रिपाठी जी के गांव को और आपको बोलता हूँ बाय बाय, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।